एमपी के दमोह जिले में लोग स्वाद के दीवाने हैं। चटपटा तीखा और मसालेदार खाना जीभ में पानी ला देता है। बिना डॉक्टर की सलाह और अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना ही हम मनचाहा खाते रहते हैं, और यदि हम थायराइड पेशेंट हैं तो यही हरी सब्जी अक्सर हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। उन्हीं सब्जियों में से दो सब्जियां फूल गोभी और मूली है जिनका सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिनका उत्पादन हमारे क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भारी मात्रा में हो रहा है। दमोह जिले के जवेरा, घाना मैली, कलेरा, इमलाई और राजघाट सहित अन्य क्षेत्रों में भारी मात्रा में इनका उत्पादन किया जा रहा है, जिनका सेवन यदि थायराइड मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के करता है तो यह सब्जी उस मरीज के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। थायराइड या अवटु ग्रंथि रोग कहते हैं आयुर्वेद में, और ये चयापचय से संबंधित बीमारी है, यानी कि इसमें मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये डिसीज़ है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होता है और जिसकी वजह से चयापचय अपना मेटाबॉलिज्म सही चलता है। इसमें थायराइड ग्लैंड जो ग्लैंड्स होती है उसमें प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से इसकी जो थायरोक्सिन होता है या तो कम रिलीज होता है या अधिक रिलीज होता है, जिसकी वजह से चयापचय या फिर डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। डाइजेशन गड़बड़ हो जाने के कारण ही मूली और गोभी का इसमें परहेज करते हैं, क्योंकि मूली ज़्यादा गैस्ट्राइटिस करती है, पत्ता गोभी होता है, जो गोभी होता है डाइजेशन में काफ़ी कठिनाई से डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से थायराइड के पेशेंट को मूली और ये गोभी का परहेज रखते हैं। महिलाओं में अक्सर थायराइड की समस्या होती है, क्योंकि ये हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है और इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उसमें हार्मोन्स की अधिकता होती है और ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिस वजह से महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि ये हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोक्सिन और T43 और इस टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी इनबैलेंस से ये बीमारी उत्पन्न होती है।